जवाब दे दिया है बीजेपी ने. आल्सो सेड 140 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री इफ दे हैव फैमिली, व्हाट यू वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट? सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं. इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है. वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का, ऐसे वरिष्ठ लोग इस स्तर के बात करने से जनता में निराशा होता है. राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना आवश्यक है. तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं. ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है, इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं. मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं. मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है. आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं वो परिवार तो मजबूत हुआ लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ. क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं. उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है. क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना ना, तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं. क्या ये लोकतंत्र है क्या?